घर की चोरी करते ही हो, दुकान में चोरी करते ही हो, उठाईगिरी करते ही हो, तो छोड़ते क्या हो जनाब तुम? मुझे बेवकूफ मत समझो तुम। उठाईगिरी करके कोई आदमी होम थिएटर खरीदेगा क्या? यार तुम्हारी गणित कमजोर है या तुम बहुत बदमाश हो? जो छोड़ के जाता है उसका बैग उठा लेते, दान पेटी है क्या? देख के ही ढीठ और बदमाश दिख रहा है। पैसा जैसे पाउंड डालता है वही निकाल दिए। ये देख के एजेंट लगता है मोटा ताजा। देखो ना तो इसका दिमाग, इसी काम, एग्जीक्यूशन। जरा चोरी के कला के बारे में आमने सामने हमारे एपिसोड में जरा जनता को बताओ। कैसे शुरू किया वो चोरी का काम? 20 साल हो गया। रात बहुत ज्यादा है सर, केस लड़ता हूँ मैं उन पैसे। ओ, उन पैसों से तुम केस लड़ते हो? देखो कितना एक्सपीरियंस है इसके पास, जो किताबें लिख देगा जेल के ऊपर। पुलिस को तुम्हें लापरवाह पुलिस वाला कौन दिखा यहाँ पे? लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? इधर आ जाओ, बहुत कॉन्फिडेंस है आप में। इधर आ जाओ। कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़, पत्थलगांव दीवानपुर। पत्थलगांव दीवानपुर छत्तीसगढ़ में आता है? वहाँ का नेटिव है सर, कानपुर में पकड़ा है, वहाँ पर शिफ्ट हो गया। ओहो, शिफ्ट हो गया। रहने वाले जशपुर के हो, पत्थलगांव के? तो उत्तर प्रदेश कानपुर कैसे गए? सर वहीं काम करते। सर वहीं काम तो यहाँ करते हो, उठाईगिरी का। वहाँ क्या काम, वहाँ क्या काम करते हो? रिक्शा चलाते सर, मेट्रो में काम करते सर। रिक्शा चलाते हो, मेट्रो में काम करते हो, तो उठाईगिरी का काम क्यों शुरू कर दिए? सर कुछ हालात ऐसे सर। क्या हालात हो गए तुम्हारे? सर कुछ इलाज के लिए कर्जा दिए सर, बच्चों के लिए। बच्चों के सर को इलाज के लिए पैसा नहीं दिए थे, सॉरी दिए थे सर, कर्जा था सर उसी वजह से। कितना कर्जा है तुम्हारा? सर 5-6 लाख रुपये कर्जा है सर। कर्जा रहेगा तो तुम उठाईगिरी शुरू कर दोगे, लोगों का पैसा छीनना शुरू कर दोगे, और उसके लिए बिना प्लान उठाईगिरी करनी होगी तो उत्तर प्रदेश में ही कर लेते। इतना दूर आए हो तुम, छत्तीसगढ़ में आके प्लानिंग के साथ कर रहे हो, तो कोई पैसे के थोड़ी करेगा, याफी के लिए करेगा? कितनी बार कर चुके हो उठाईगिरी तुम? 5-7 बार हो चुकी है। 5-7 बार लगभग में हो तुम, गिनती भी नहीं है इतने तुमने उठाईगिरी कर लिया है। तो तुम्हें इलाज के लिए 5-7 बार करना पड़ गया उठाईगिरी? सर अरे भैया ब्रेन ट्यूमर होगा तो उसके बहुत सारे इलाज के तरीके होते हैं, उठाईगिरी तरीका नहीं होता है उसका। और अभी उठाएगा, अभी ब्रेन ट्यूमर के लिए करेगा तो घर में होम थिएटर नहीं लगाएगा आदमी, एलईडी टीवी नहीं खरीदेगा, बड़े बड़े बाइक्स नहीं खरीदेगा, ठीक है? मुझे कहानी मत सुनाओ, मुझे बेवकूफ मत समझो तुम। उठाईगिरी करके कोई आदमी होम थिएटर खरीदेगा क्या? इलाज कराना होगा तो क्या वो एलईडी टीवी खरीदेगा, वो बड़े बड़ी बाइक खरीदेगा? ये किसका है होम थिएटर? कितने में खरीदा होम थिएटर तुमने? 5,000 में होम थिएटर आ गया? बेवकूफ समझते हो मुझे? कितने का है होम थिएटर? चोरी का लिए होंगे? चोरी का लिए होंगे चोर बाजार से। तुम्हें तो होम थिएटर की आवश्यकता है, टीवी की आवश्यकता है, बच्चे का क्या नाम खराब कर रहे हो सबके सामने? कहाँ कहाँ पे किए हो तुम उठाईगिरी? भड़गांव में कितने लाख का किए थे? 1 लाख का। और कहाँ किए थे? 1.5 लाख का। और यहाँ किए सर, धमधा में। सर धमधा में कितने लाख का? 3 लाख का सर। 3 लाख का। और कहाँ किए? एमपी में किए थे 2 घटना सर। एमपी में कहाँ पे? जगह बताओ ना सर। बरेली में सर। कहाँ पे? बरेली नहीं, एमपी सर। एमपी का ही बरेली है। वहाँ कितने किए थे? 40,000 सर। 40,000 का। फिर और कहाँ किए? एक महाराष्ट्र में किए सर। महाराष्ट्र में कहाँ किए थे? 1.5 लाख का सर। कहाँ पे? बोटी बोरी नागपुर में। और कहाँ किए? छत्तीसगढ़ में? और छत्तीसगढ़ नहीं किए सर। धमतरी में? नहीं सर, वो बहुत पुराना है सर। बहुत पुराना है? कितना पुराना है? 2 साल हो गए सर। 2 साल बहुत पुराना कहाँ हुआ भाई? 2 साल। वहाँ कितना किए थे? 1 लाख सर। 1 लाख का पुराने का? 2 साल पुराने वाले को तुम मानते ही नहीं हो उठाईगिरी, वो तो पुराना हो गया, समय गया तो अपराध खत्म हो गया, अपराध खत्म नहीं होता है। ये तो 2 साल पहले हुआ, उसके पहले कहाँ किए थे? कब से कर रहे हो ये? 3-4 साल हो गए होंगे। 3-4 साल हो गए होंगे, तो 2 साल वाला तो पुराना बता रहे हो, तो और पुराना होगा फिर तो। पहला कहाँ किए थे? सबसे पहला कहाँ किए थे? सबसे पहले सर बचपन में किए थे सर। बचपन में किए थे। उम्र कितनी है तुम्हारी? 32 सर। तो बचपन मतलब कितने साल के हो गए उस टाइम? करीब 15-16 साल में सर। तो उस टाइम बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था 15 साल में? तुम्हारी उम्र 15 साल थी तो उस टाइम बच्चा कब हुआ था तुम्हें? गर्भ में ही हो गया था तभी बच्चा हो गया था क्या तुम्हें? ऐसे मतलब किए थे सर बचपन में जब किए थे। हाँ उसका छोड़ दिए सर। नहीं नहीं, पहला किए 15 साल की उम्र में। वो कहाँ किए थे? उड़ीसा तरफ किए थे। उड़ीसा तरफ मतलब तुम यहाँ से उड़ीसा चले? उड़ीसा में कहाँ किए थे?
नाम नहीं आता। अरे नाम कैसे नहीं याद रहा तुम्हें? छोटे में गए थे सर। छोटे में गए थे, किसके साथ गए थे? हाकिम सिंह साहब। किसके साथ? हाकिम सिंह। हाकिम सिंह कौन है? रिलेशन का था सर। रिलेशन का था, तो हाकिम सिंह ने बोला तुम चले गए उसके साथ। कितने लाख का किया था उसने? देखा नहीं सर, उठा के दे दिए थे उनको। उनको दे दिया उस टाइम, ट्रेनिंग थे तुम, उठाया और दे दिया है उसको। तो ये ट्रेनिंग मतलब 14-15 साल से हो रही है तुम्हारी, गुड। तो पहली बार किया, उसके बाद कब किया? लगातार करते रहे। उसको छोड़ दिया सर, नहीं किए थे सर। क्यों छोड़ क्यों दिए? नहीं छोड़ क्यों दिए थे समझ नहीं आ रहा मुझे। तो पैसे देते नहीं थे सर वो। और फिर अपना कब शुरू किए अपना कारोबार? 3-4 साल हो रहे सर। तीन चार खुद का नहीं सर, मतलब किसी से चले जाते सर। किसी के साथ चले जाते थे, मन हुआ कोई मिला चल दिए साथ में। कितने लोगों के साथ चलते थे जब भी करते थे ये काम? इससे पहले सर 3 लोगों के साथ किए थे। 3 लोगों के साथ? कौन 3 लोग है, नाम बताए? विजय, मिथुन और दिलीप थे सर। कहाँ के रहने वाले ये? कापू के। कहाँ के? कापू। कापू रायगढ़ के रहने वाले थे। उनके साथ किए जी सर। उनके साथ कहाँ किए थे? धमतरी में किए थे सर। धमतरी में। कितने लाख का? 1 लाख का सर। कब किए थे? 1-2 साल हो रहे सर। एक और दो में अंतर नहीं है क्या? 1 साल पहले ही सर वो धमतरी में किए। तो वो तो पुराना है, उसको तो भूल गए थे तुम, अभी तो अचानक याद आ गया 1 साल का ही है वो। तो धमतरी में किए थे। और कहाँ पकड़ा है उसमें? 16 के बाद पकड़ा नहीं है सर। 2016 पकड़ा है क्या? 2000 पकड़ा है सर। 16 में जेल कब कब गए हो ये बताओ? चलो जेल कब कब गए हो? पहली बार जेल कब गए? एमपी में गए सर। एमपी में कब गए भाई? 16 में गए। किस अपराध में गए? चोरी में सर। चोरी कब किए थे जेल गए 16 में? तुम चोरी में गए थे उसी टाइम? चोरी उसी टाइम 16 में किए हो ना? मतलब 16 के तो हो गए 7 साल, तो 3-4 साल बता रहे हो यार। तुम्हारी गणित कमजोर है या तुम बहुत बदमाश हो? तुम्हारी जो बॉडी है ना पूरी ठीक हो जाएगी, तुम पुलिस की सेवा होगी ना एक बार। ठीक से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, टेढ़े ढंग से बात करूंगा तो दिमाग से लेकर नीचे तक ठीक हो जाओगे। तो पता है दिमाग का डॉक्टर हूँ मैं, पता है तुम्हें? पता है नहीं पता? अच्छे अच्छे लोगों को ठीक कर दिया है मैंने, मेरी भाषा पे ना जाए ठीक है, जो पूछ रहा हूँ सही सही बताए। तो 2016 में किए, 16 में गए जेल। कितने दिन जेल रहे? 2 साल तक। 2 साल रहे हो, मतलब बड़ा कुछ किए हो। कितने लाख का चोरी किए थे? 80,000 का था सर। 80,000 के चोरी में दो, और साथ में कितने लोग गए जेल तुम्हारे साथ? कितने लोग थे सर? 4 लोग थे। बाकी 3 कौन थे? मंजीत था, मंजय था, मुकेश था। ये 3 कहाँ के रहने वाले? यहीं के थे सर। हाँ पत्थलगांव के सर। पत्थलगांव के थे 3। वो तीनों भी क्या कर रहे हैं जनाब? तो अभी घर पे सर। तो वो चोरी बंद कर दिए क्या? जी सर। उनको ज्ञान मिल गया, तुम्हें ज्ञान नहीं मिला? जेल में साथ रहे, निकले, चलो 16 से 18 रहे मतलब जेल में। बोला के पहले एक केस पे तो जेल गए, केस तो बहुत किए होंगे तुमने। 5-6 केस लगे थे सर। हाँ 16 में 5-6 केस पकड़े। 5-6 केस पकड़े थे। हाँ 2-3 केस लगे थे सर। घर की चोरी लगी थी सर, और दुकान की भी चोरी लगी सर। घर की चोरी करते ही हो, दुकान में चोरी करते ही हो, उठाई गिरी करते ही हो, तो छोड़ते क्या हो जनाब तुम तो 14-15 साल से ट्रेनिंग लेके बड़े हुए हो। ट्रेनिंग अभी 8-10 कर ही दिए होंगे। चलो 2 साल जेल रहे, उसके बाद छूटे तो फिर 18 में छूटे जी सर। और छूटते ही लग गए? नहीं सर, काम करने चले गए थे सर। कौन सा काम? मजदूरी वाले सर। अरे मजदूरी काम कहाँ कर पाओगे तुम, जब आदत पड़ गई है 1-2-5 लाख ऐसे उठाई गिरी में उठाने की। और तुम्हारे बच्चे का ब्रेन ट्यूमर कब हुआ तुम्हारे? हो गए सर 4-5 साल हो गया। और तो कर रहे हो तो 14 साल की उम्र से ही चोरी, 16 में ही चोरी। 16 में कौन सा तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर था तुम्हारे बेटे को 2 साल जेल काट के आए हो? यार देखो झूठ ना मेरे सामने नहीं बोला करो, नहीं तो इतने लोगों के सामने मतलब तुम मान के चलो 15-20 हजार चोरी तो कर चुके हो तुम। छत्तीसगढ़ में और कहाँ कहाँ उठाई गिरी किए हो? देखो यार अभी तुम सूरज बेमेतरा में किए नहीं किए? बेमेतरा में किए नहीं किए? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे ऊपर, जो बता रहा हूँ सही सही जवाब दो ठीक है? दिमाग पे जोड़ लगा के। तो बेमेतरा में किया और बालोद में किए, भटगांव में सर, भटगांव में किए, छत्तीसगढ़ में धमतरी, धमतरी में किए और धमधा में किए। 5 हो गए और महाराष्ट्र बॉर्डर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे बड़ा उठाई गिरी कितने लाख का किए हो? 3 लाख का सर।
फल मेरे यहाँ ही करना पड़ा था बात में। हाँ यही मिला था। ये धंधा कैसे चुना तुमने? तो चुनते कैसे थे कि इसी इलाके में करना है? हमने नहीं, इसने चुना सर। इसने चुना, तुम तो बस केवल हाथ सफाई में हाथ लग गए। तुम हर बार पार्टनर चेंज करते हो यार, भरोसा नहीं रहता तुमको लोगों के ऊपर, ऐसा क्यों? नहीं सर, हर बार नया नया कहाँ ढूंढ निकालते हो तुम माल। सर कोई करता है कोई नहीं कर रहा है, वो छोड़ देता है, तुम नया पकड़ लेते हो, बाकी सब चेंज होते रहते हैं, तुम एक फिक्स रहते हो बीच में केंद्र बिंदु। तो 14-15 साल से 17 साल से इस अपराध की दुनिया में हो तुम, 2 साल जेल भी काटे हो, और भी कहीं जेल गए हो क्या? नहीं सर। मध्य प्रदेश के जेल में रहो, जेल कैसा है मध्य प्रदेश का? क्या है? वो टाइट सर। टाइट है मतलब? खाना पीना मतलब नहीं मिलता है वो तो। खाना पीना ठीक से नहीं मिलता तुम्हें? और नशा वशा क्या करते हो तुम? नशा बीड़ी सिगरेट, नशे में आता ही नहीं। चलो गुड, चलो बीड़ी सिगरेट लेते हो। शराब? शराब नहीं पीते। ये गांजा? नहीं सर। अफीम? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, केवल तुम तंबाकू लेते हो जी। शादी कब हुई तुम्हारी? सर 2010 में। 2010 में तो पत्नी कभी बोली नहीं है उठाएगी ये काम छोड़े कोई दूसरे काम में लग जाओ? हमको नहीं पता सर। 2 साल जेल में रहे पता ही नहीं होगा कि बेवकूफ हंसते हो मुझे? इस बारे में पता सर ये करता है बोल के। तो तुमने क्या बोला कि तुम देश सेवा में 2 साल जेल काटे हो क्या? तो बोलते काम पे जा रहे बोल के। ओ बता दिए काम पे जा रहे हो, तो फोन वो नहीं लगाती थी क्या तुम्हें? लगाती थी सर, बोल काम कर रहे हैं। तो जेल में तो फोन रहेगा ही नहीं, तो काम कर रहे हैं ये कैसे मालूम चलेगा? उसने पता था कि किसी घटना पकड़ा है बोल के। हाँ किसी घटना है पकड़ा है, वही तो बता रहा हूँ, कैसे नहीं घर वालों को मालूम चलेगा? तुम सब इसको मुझे ही समझते हो क्या? ढीला पुलिस एसपी मैं ही दिखाऊँ क्या तुम्हें? कुछ ही मनगढ़ंत कहानी सुनाते हो मुझे, ये देख के ही ढीठ और बदमाश दिख रहा है। पैसा जैसे अकाउंट डालता है वाइफ निकाल दी है तुरंत। हाँ टाइम नहीं लगता। तो वाइफ को क्या बताते हो? 5 लाख का कोई लॉटरी लग गया है क्या मुझे 3 लाख का? पत्नी भी पैसे का, पत्नी क्या करती है उन पैसों का जाहिर बताओ? जो यहाँ जेवरात खरीद लेती है बाकी चीजें कर, वो तो बोल रहा हूँ पत्नी भी एंजॉय कर रही है तुम्हारे। पत्नी को लगता होगा चलो अच्छा है जेल रहता है, काम तो मेरे फायदे का ही है, जब जाता है 2-3 लाख लेके आता है, यही सोचती होगी ना? इसका ऐसा होगा कभी गिफ्ट देना है चलो एक उठाईगिरी कर लिए, अभी आ रहा है क्यों भाई? सर प्रक्रिया पूछिए ना, प्लान कैसे करते? हाँ प्लान कैसे करते? बात कैसे करते? हाँ बताओ यार कैसे प्लान करते थे जरा। सीएसपी साहब भी तुम पे बिल्कुल मुदित हो गए हैं तुम्हारे पे बिल्कुल। तुम्हारी प्लान कैसे करते हो आपस में? तुम लोग बात कैसे करते थे? प्लान कैसे करेगा यार? तुम तो देख के, तो ये देख के एजेंट लगता है मोटा ताजा, देखो ना तो इसका दिमाग इसी काम एग्जीक्यूशन इसका है। निगरानी बदमाश है अपने जगह का। कहाँ का? एमपी होटल का शहर का व्यवहार क्या समझ रहे हैं? तुम तो निगरानी बदमाश हो। 30 से ज्यादा मामले वहीं पे। अरे भाई देख के तो ऐसा लगता नहीं है, देख के आंख ऊपर कर लो भाई, तुम तो हिस्ट्री फीटर हो, 30-30 अपराध है तुमको। जेल में तुम्हारी स्तुति बोलती होगी, जेल जाते होगे तो 30 अपराध का अपराधी है। किस किस चीज के अपराध है तुम्हारे? 30 सेक्शन धाराएं भी हैं, दिखाओ जरा। अरे भाई 399, 402 चोरी के, 379, 379, 379, 457, 357 सब चोरी के हैं। तुम तो एक्सपर्ट चोर हो यार, जरा चोरी के कला के बारे में आमने सामने हमारे एपिसोड में जरा जनता को बताओ जरा, कैसे करते थे चोरी बताओ जरा। तो एक्सपर्ट चोर हो यार, क्राइम थ्रिलर बन सकता है तुम्हारे ऊपर। छोड़ के जाता है उसी का बैग उठा लेते हैं, जो छोड़ के जाता है उसका बैग उठा लेते। दान पेटी है क्या? जो छोड़ के जाता है उठा लेता हूँ मैं, तुम्हारा अधिकार है क्या उसके ऊपर? कोई छोड़ के थोड़ी जाता है तो चोरी कर लेते हो, उसको बोलते हो छोड़ के जाता है, कहाँ छोड़ के जाता है? अगल बगल कहीं भी चले गए। हाँ कोई अगल बगल गया तुम्हारी नजर तो कंप्यूटर से तेज तुम ठक लेके निकल जाते हो, देख के घोड़े रखते हो ना, चेहरे का ही फायदा उठाते हो। तो अपने इलाके अपने ही शहर में चोरी करते थे, घूम घूम के करते थे? हाँ अपने शहर में करते, अपने ही शहर में करते थे, शहर वाले पहचाने नहीं तुमको? कब से शुरू किया वो चोरी का काम? 20 साल हो गया। अरे भाई इतनी उम्र कैद काट लेता है। 2004 का पहला मामला है मतलब, बोली क्या ना 20 साल से कर रहा है, 23 है तो 2003 तो कम ईमानदार है उससे। ये धंधा करेगी कैसे? धंधा में कैसे प्लानिंग किए तुमने इतना दूर आके? तुम्हारे जिले से कितना दूर है धंधा? कितने किलोमीटर होगा इतना? 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर मेरे जिले की याद कैसे जाएगी आपको? अभिषेक पल्लव साहब के जिले को ही चुना लगाना है
और मेरा रिकॉर्ड खराब करना है। नहीं सर, निकल रहे थे उस रास्ते से। निकल रहे थे रास्ते से तो रास्ता पे प्यार आ गया आपको। बैंक दिखा, वही पे बैंक दिखा तो आपने सोचा आज यहाँ पे कुछ कर ही देते हैं। नहीं सर, बाहर देखो लेके आया और डाल दिया सर। तो आपका क्या पास डाल दिया? हाँ, बाजू में खड़े तो आया, बाजू में खड़े। इनका कहना ये है कि उन्होंने देखा कि वो आदमी इतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, गैर जिम्मेदार है। ये बेसिकली जो गैर जिम्मेदार है लोगों को जिम्मेदार बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ऐसा है कि जो आदमी कैजुअल रहता है वो अपनी गलती का एहसास करे और आगे से वो हो जाए, पंक्चुअल हो जाए। हाँ बोला सर। हाँ है ना। हाँ बोला। ये इसकी नजर बहुत तेज है, तुरंत बताया था ये आदमी कैजुअल है। मतलब वो पैसे को, इतना पैसा को रखने का हकदार नहीं है, ठीक से रखता नहीं है वो। तो ये अपने, हाँ समझ गया, और तो सफाई कर देते हो तुरंत। तो ये 3 लाख जो लिए वो क्या किस रेशियो में बांटे? तुम्हें कितना मिला, उसे कितना मिला? डेढ़ लाख। कितना ईमानदार आदमी है, देखो 50-50 है बिल्कुल। तो तुमने 1.5 लाख का किया क्या जनाब? शादी वादी किए हो? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चियां हैं सर, 1 लड़का। 2 बच्चियां 1 लड़का। घर वाले कभी मना नहीं किए? ये नहीं, पैसा ही लाके इतना दे देते हो, क्या मना करेंगे? अपराध बहुत ज्यादा है सर, केस लड़ता हूँ मैं उन पैसों। ओ, उन पैसों से केस लड़ते हो? अब एक और केस हो गया, अब एक और केस लड़ोगे तो एक और उठाई गिरी करोगे। अरे भाई, इसका जमानत भी अपने रिस्की है। एक केस लड़ने में कितना खर्चा कर लेते हो? हाँ करीबन, तो इतना एक्सपीरियंस। टोटल कितने केसेस लड़े हो अभी तक? कितने केस हुए तुम्हारे ऊपर? 20-25 केस। 20-25 मतलब मार्जिन कितना है? 20-25। 30 भी हो सकते हैं। 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। गिनती कहाँ है क्या भाई? हाँ हाँ बोल देते हैं। एक साल में कितनी चोरी करते हो गए तुम? 2-3 करते हो गए भाई। 20 साल से चोरी कर रहा है तो 20×3=60, तो इसके नॉर्मल रेशियो से ही हो गया। पिछले 2 महीने में 6 किया है सर। अरे भाई, मतलब 2 महीने में 6 किया तो 1 साल में, मतलब इसका कहना यह है कि 60 चोरियां तो पकड़ी गई हैं। मतलब एक ही बताओ, दिसंबर में भी किया? हाँ दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में किया। इसके ऊपर तो चिप विप लगा के इसको तो अलग से मॉनिटरिंग करना चाहिए, तो ये बाहर निकलेगा दोबारा चोरी कर लेगा 2-4। क्यों भाई? दोनों प्लानिंग कैसे करते थे वो बताओ, प्लानिंग कब करना है? ये तुम्हें मिला कहाँ ये सैंपल तुम्हें? हाँ अपने तो गांव कानपुर है ना, पहले यहाँ रहता था। कहाँ पे? दीवानपुर। अरे बोलो यार, दीवानपुर में रहता था। दीवानपुर, दीवानपुर कौन सा जिला पड़ता है? जशपुर में। तो जशपुर भी दूर है तुम्हारे यहाँ से? तो कितना दूर है जशपुर तुम्हारे यहाँ से? 200-250। तुम लोग भी कोई कॉन्फ्रेंस करते हो क्या, चोरों का कॉन्फ्रेंस? सारे चोर इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं नॉलेज का। कि भाई ये 250 किलोमीटर दूर चोर है, तुम्हें मिल कैसे गया? आते जाते जब वो तुम्हारे इलाके से निकलता होगा, तुम्हारे यहाँ खाना खाता होगा, तुम इधर निकलते होगे, इसके यहाँ खाते होगे, ऐसा है क्या? जी। जैसे हमारे डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस होता है ना पुलिस अधिकारियों का, ऐसा ही है, मैं समझ रहा हूँ। तो तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? जरा 2 खूबी बताओ जरा इसमें, जो तुम्हें चुना इसको साथ में पार्टनर की, दोनों मिलकर करेंगे। तुम तो अकेले ही कर लेते, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी तुम्हें? तुम अपने उधर जिले में चोरी करते हो, अकेले करते हो, साथ में करते हो? किसके साथ? ये मिल गया, ये पप्पू मिल गया। पप्पू मिल गया, और कोई कौन कौन तुम्हारे साथी हैं? पकड़े हुए हैं। पकड़े हुए थोड़ी है, जेल से छूट जाते होंगे यार, तुम तो खुद छूटे हो फाट केस में। और कौन कौन है तुम्हारे साथी? बहुत सारे 50, 100, 200। कितनी बिरादरी है तुम्हारी? 20-30 चोर तुम्हारे दोस्त हैं। सोचो कितना बड़ा का तो वो है, जैसे नहीं होता सिंडिकेट, सिंडिकेट ग्रुप होता है ना, जैसे हम लोग गैंग, गैंग भी नहीं कह सकते यार। बाइक और स्टार बांधते हैं ऐसे सीसीटीवी फुटेज में। अरे यार, ये आपको घुमा देंगे, आपका एक्सपीरियंस 15 साल पुलिसिंग का, इसका 25 साल का चोरी का एक्सपीरियंस है, कहाँ बराबरी करोगे? ये आपसे ज्यादा एक्सपर्ट है। ये तो लोगों को जो है पंक्चुअल बनाने की ट्रेनिंग देता है, तुरंत भाप लेता है कौन आदमी कैजुअल है। कभी चोरी करते हुए पकड़े गए हो क्या आज तक? करते हुए तुरंत पकड़े गए हो? कहाँ पे? ये कहाँ पे? जबलपुर। ये कैसे हुआ था? दूर दराज तक चोरी करते हो तुम लोग यार, घूम घूम के। जबलपुर की घटना बताओ, कैसे पकड़े गए चोरी करते हुए? जैसे थैला उठाए पकड़ लिए, बहुत मारे। बहुत मारे? तुम तो क्या चाह रहे थे, वो फूल माला भर बरसाते तुम्हारे ऊपर, फूलों की बरसात करते। जब काम चोरी का करते हो तो यार तू भी था क्या जबलपुर?
भाई साथ कौन था मार खाने में साथी तुम्हारा वहां पे जबलपुर में? पप्पू। पप्पू बहुत प्यारा दोस्त है, जब तुम पप्पू को याद करते रहते हो। कितना लाख की चोरी कर रहे थे? एक लाख में। पिटाई कितने घंटे पड़ी? बहुत पड़ी। कितने देर? दो घंटे तक पड़ी। उसके सुधरे नहीं, कब की बात है ये? दस साल पहले तब सुधर गए होते मार खाने के बाद भी तो ये। हाँ एक ही बताओ, घर में रहते हैं तब भी उठा के ले जाती है पुलिस। अरे पुलिस क्या करेगी, तुम तीन महीने एक महीने दो महीने में छह चोरी करोगे तो पुलिस क्या करेगी बेचारी? करते हैं, दूसरे कोई करते हैं फिर भी ले जाती है। रिकॉर्ड ही ऐसा है ना, रिकॉर्ड ही ऐसा है ना, कहीं होगा तो लोग आप ही को याद करेंगे। और बताओ मध्य प्रदेश से आके जब छत्तीसगढ़ को चूना लगा के चले गए तुम, तो यादगार आदमी तो हो ही तुम। लेकिन बताओ इतने प्यार से पूछताछ कभी की किसी ने तुम्हारी? ऐसे एसपी साहब मिले तुम्हें कभी? तो अब आगे क्या सोच है तुम्हारी? सर पुलिस हाँ हम नहीं करेंगे। तो बार बार बोलते लेकिन बताओ तुम ज्यादा बदमाश हो कि ये ज्यादा बदमाश हो? ज्यादा तेज कौन है चोरी में, तुम हो कि ये है? दोनों को राम लगाया जोड़ी है। नहीं इसकी धमधा की प्लानिंग कैसे हुई जरा बताओ, जरा ध्यान से कैसे किए थे? जा रहे थे रास्ते से, निकल रहे थे तो कहाँ जा रहे थे? ऐसे घूमते तो घूमते रहते हैं, जगह जगह घूमते हैं। बस से जाते किससे जाते? बाइक से। बाइक से निकलते हैं, सर्वे टाइप का जैसे होता है सर्वे, उसके बाद सर्च, फिर सीजर, वैसे है इनका। कैसे डिसाइड करते छत्तीसगढ़ जाना है कि महाराष्ट्र? निकल गए आस पास 500 किलोमीटर अपना पूरा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा राज्य घूमे हो तुम? एमपी छत्तीसगढ़ यूपी नहीं उड़ीसा। तो तुम केवल अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, दोस्ताना अभी बरकरार है इनका, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इनको एक ही मानते हैं ये। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ घूमे हो? बिलासपुर। बिलासपुर में हाथ की सफाई किए कभी? पकड़े गए। पकड़े गए थे कब? पाँच छह महीने पहले। तो कितने जेल रहे? दो महीने। कौन सी जेल में रहे? पेंडरा जेल में रहे। उस टाइम किसके साथी कौन था तुम्हारा? अकेले पकड़े गए थे, कोई और भी था? पप्पू भी था। पप्पू का ही पता लगा, बहुत प्यारा है इनका दोस्त पप्पू। दो महीने बिलासपुर रहे, और कहाँ कहाँ घूमे हो? एमपी में कहाँ? छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ घूमे हो? छत्तीसगढ़ इधर ही घूमे हो। मेरे जिले को और भी चुना लगाए हो क्या? देखो कहीं भी घूमना मेरे जिले में मत आना, ठीक है? तुम्हारे पोस्टर पूरे जिले में टांग दूंगा मैं। हाँ तुमने बिलासपुर में पिंडरा रहे तब भी सीखे नहीं तुम, ठीक है? तुमको घूमे, तुमको बैंक के सामने रुक गए, फिर क्या हुआ? देख लिए जो कोई डाल रहा है थैला, देख लिए उसको, फिर क्या किए? छोड़ छाड़ के चले जाते हैं तो निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं छोड़ छाड़ के, कोई चले गए तो सही। निकाला आपने या निकाला इन्होंने? इसने निकाला। पीछा किए थे ना जी अस्पताल के, कोई थोड़ा छोड़ दे। इसने निकाला फिर क्या किए? लेके चले। फिर कहाँ तक गए? घर। सीधा घर चले। रुके कहाँ पर? नहीं रुकते सर। कहाँ रुकते हो तुम लोग? चाय पानी। चाय पानी के लिए रुकते हो? ये बताएगा सर कहाँ? बताओ भाई कहाँ रुकते हो तुम लोग? शमशान घाट में रुकते हो? कोई डर नहीं है तुम लोगों को? कहाँ तुम ब्रेन ट्यूमर की कहानी मुझे सुना रहे थे? तो शमशान घाट में जो आदमी रहने में नहीं डरता, रात हो जाती है बाई चांस तो सोएगा ही आदमी। सही बात है, देखो कोई गिल्ट नहीं है शमशान घाट में सोते। हाँ कहीं पे कोई सीसीटीवी नहीं है? ये लोग सर शमशान घाट मैदान में सोते हैं, शमशान घाट जाते कहीं भी जाते हैं। तुम जहाँ चोरी किया या जहाँ चोरी किया है? दो तीन महीने से मेरे साथ। दो तीन महीने से? कैसे जान पहचान हुई तुम्हारी? कोई मिला? नहीं आने जाने में, जेल में ही दोस्ती हो गई होगी। कभी जेल में साथ रहे हो दोनों? जेल बाद 20-25 दोस्त ने बताए थे साथ में चोरी करने वाले। कितने? 25-30-40 कितने? सर वो भी अंदर। कहाँ है वो अभी? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ में जेल में है वो? कौन सी चोरी में बंद हुआ मनेंद्रगढ़ में? चोरी करने में बंद। कितने महीने पहले? दो तीन महीने पहले। उस टाइम पप्पू के साथ कौन था चोरी करने में? सर दूसरे लोग, दूसरा गैंग गया होगा। बाकी गैंग वालों को जानते हो पप्पू के साथ जो गए थे? जी सर। कौन कौन थे? सर अंबिकापुर के पास की।
कुछ नाम भी होगा उनका जना। हाँ, बनिया बनिया करके गांव का नाम। ऐसा क्या? तो तुम लोग मतलब पूरा नेटवर्क अपना फैलाए हुए हो, कभी कोई मिल जाए उसके साथ चोरी कर लिए, कभी वो मिल जाए। तुम लोग तो अलग यूनियन है, कोई एसोसिएशन टाइप का ही बनाए हो क्या तुम लोग? हम लोगों का डॉक्टर्स का होता है कुछ है, आप संगठन बनाया हो क्या तुम लोग चोरों का? राष्ट्रीय चोर संगठन या प्रांतीय चोर संगठन? तुम तो कितने जेल में रहे हो? एक तो तुम रहे हो बिलासपुर जेल में, और कौन से जेल में रहे हो? जबलपुर जेल में रहे हो, और किस में रहे हो? नाम बता दो यार, बहुत सारे पता ही है मुझे। बिलासपुर में रहे हो, बुढ़ार में रहे हो, शहडोल में रहे हो, और हाँ बुढ़ार शहडोल और कोटमा और रायपुर। अरे रायपुर में भी रहे हो, वो कब रहे हो? बहुत पहले रहे। तो भ्रांति भ्रांति के जेल का एक्सपीरियंस है। सबसे अच्छा जेल कौन लगा तुम्हें इन सब में, जहाँ सुविधाएं सबसे अच्छी हैं? छत्तीसगढ़। बहुत सही। कौन सा चलो तुम दुर्ग भी देख लोगे, दुर्ग देख लिए, बिलासपुर देख लिए, रायपुर, जितने जगह में एसपी नहीं रहते उतना जेल घूम आए हो तुम। अरे देखो कितना एक्सपीरियंस है इसके पास, जो किताबें लिख देगा जेल के ऊपर। पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कोई जेल नहीं है जो इन जनाब ने छोड़ा है। जनाब आप कितनी बार जेल में रहे हैं? दो साल रहे। आप एक ही बार रहे हो, एक बार लंबा काट के आए हो तीन चार केस में, बाकी तेज तरार आदमी हो, ये थोड़ा कमजोर सा आदमी है। तुम पकड़ा कभी जाते हो हमेशा? घर से ले जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि इतनी है कि चोरी होती है लोग मान ही जाते हैं कि जनाब तो होंगे ही होंगे। मतलब टीम बदलती जाती है, ये सेंट्रल बैट्समैन है, खेलते रहते हैं अपना। आगे क्या सोच है? आगे सोच कुछ नहीं करने की, घर में। घर में रहोगे तो घर खाना पीना कैसे चलेगा? खेती किसानी करेंगे। कितना खेत है तुम्हें? नहीं है सर। तो खेती कैसे करोगे? खेत तो है ही नहीं, तुम बता रहे हो। हाँ अब तुम्हें आदत पड़ गई है एक बार में 50,000-1,00,000 की, तो कहाँ तुम मजदूरी कर पाओगे? ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग कर। ड्राइविंग तो आती है कि ड्राइविंग का इस्तेमाल तो दूसरे काम में करते हो ना तुम? नहीं सर, नहीं कर। क्या क्या ड्राइविंग करना जानते हो? बस ट्रक भी चला लेते। बस ट्रक भी चला लेते? ट्रक चलाओगे तो रास्ते रास्ते रुकते रुकते उठाते चलोगे तुम तो पूरा, वापसी करोगे ट्रक भर लोगे तुम तो पूरा अपना। हाँ जितने बीच में तुम्हें दिखेंगे जो लोग आलसी लोग या क्या कहते हैं जो लापरवाह लोग, तुम लापरवाहों को सिखाते हुए बढ़ोगे आगे अपने ट्रक की सवारी में। नहीं सर, ऐसा कुछ ट्रकें हैं सर इसके पास। सर ट्रक भी खरीदा होगा ना चोरी से? नहीं सर मेरी नहीं। किसकी है? पापा की 6 चाहिए, 6 चक्किया है, वो अपने घर के यूज के लिए चला। घर के यूज के लिए? घर में ट्रक का भी इस्तेमाल होता है? घर में क्या करते हो ट्रक पे भाई? गांव में ग्रामीण मिट्टी उट्टी डालते रहते हैं। ऐसा काम करते हो तुम? गाँव में प्रसिद्धि है तुम्हारे चोर के रूप में? गाँव वाले नहीं जानते? बहुत पुलिस जब बाबा उठाती है तो गांव वालों को पता नहीं चलता? हम बता देते हैं कि दारू। ओहो तुम गांव में ये बता देते हो कि दारू का केस है। मतलब दारू का केस जो है वो सभ्य माना जाता है, ये चोरी का केस जो है वो खराब माना जाता है, ऐसा क्या? पुलिस पे अटैक करते हैं सर। हाँ पुलिस पे अटैक करते हैं गाँव वाले, अब नहीं देते हैं। ऐसा क्या? गुट बना के रखते हैं। गुट है ना, ट्रक से पूरा मिट्टी उट्टी पटवाता है, सोशल सर्विस करता है, तो गांव में तो प्रसिद्धि होगी होगी। गांव वालों को बताता है कि दारू के केस फंसा रहे हैं मुझे, फर्जी केस बना के आया ना। आमड़ जाना पड़ा सर, 8-10 टीम पूरा था, गनमन लेके गए था। बताओ गनमन लेके जाने की जरूरत पड़ी? देखो बेटा सारा दादागिरी ढीला पड़ जाएगा, मेरे से पंगा होगा तो ठीक है, दुर्ग साइड तो फटकना मतलब ठीक है। बताओ कैसे इन लोगों का क्या किया जाए? 50-60 अपराध, 60 तो बोल रहा है, कम से कम 200-1,000 चोरियां किया होगा। पकड़ाया तो सेंचुरी मारा नहीं मारा तुम्हें चोरियों की? बहुत किए हो, डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी बोलते बहुत मारा। हाँ हाँ मार भी खाए हो, जब डबल सेंचुरी चोरी का मारोगे तो यार कभी कभी तो मार भी पड़ेगी ना। निशान पड़े थे कि नहीं मार? 2 घंटे सेवा हुई है भाई, बता तो रहे जबलपुर की सड़कों पे। छत्तीसगढ़ में पकड़े गए? कहाँ पे? बिलासपुर में। बिलासपुर में कैसे पकड़े गए? घर से।
बिलासपुर पुलिस स्टेज है, घर से ही उठा ली इसको। और जो पक्षी छुट्टी में आए होंगे जनाब, ये भिलाई थी ना मोहननगर में जो तो नहीं, वो तो पकड़े गए ना आंध्रा में। इनके पास लापरवाही टेस्ट है, तुरंत बता देते हैं कौन लोग लापरवाह हैं और कौन। अरे भाई पुलिस पुत में लापरवाह पुलिस वाला कौन दिखा है यहाँ पे, लोग बैठे हुए हैं। देखो कोई पॉकेट में डाल दिया होगा अपना मोबाइल। यहाँ तो हिम्मत नहीं करेगा। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया, एक कानपुर, एक पत्थलगांव निवासी करेंटली कानपुर का रहने वाला, और दूसरा मध्य प्रदेश के रूड़ जिले का रहने वाला है। धमधा जिले में दो जो उठाईगिरी हुआ था, 1 दिसंबर में 3 लाख का, और उसके पहले अगस्त सितंबर में 3.5 लाख का, दोनों में इनकी जो है इन लोगों ने इसको अंजाम दिया था। ये लोग लगातार जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में घूमते रहते थे, और जहाँ भी ये लापरवाह लोगों को देखते थे या उनको लगता था कि यहाँ संभव है, वहाँ पे उठाईगिरी की या चोरी की कोशिश करते थे। सुने घर में चोरी करना, घरों में चोरी करना, दुकान में चोरी करना, बैंक के सामने उठाईगिरी करना, इन सब में इनका इन्वॉल्वमेंट था। जो मध्य प्रदेश निवासी चोर जो है वो पहले से 100 से ज़्यादा चोरियाँ वो कर चुका है, 30 से ज़्यादा FIR नामजद चोरी के उसके खिलाफ है। और जो दूसरा चोर जो है जो पत्थलगांव का रहने वाला कानपुर से पुलिस ने पकड़ा है, वो भी 14 साल की उम्र से, पिछले 15 साल से चोरी कर रहा था, उसने भी 50 से ज़्यादा चोरियों को अंजाम दिया है। ये लोग अय्याशी करने के लिए, महंगी सामान खरीदने के लिए, महंगी जमीन खरीदने के लिए लगातार चोरी किया करते थे। पैसा खत्म होने के बाद दोबारा चोरी करते थे। मध्य प्रदेश निवासी ने तो ट्रक भी खरीद रखा है चोरी के पैसे से, और उससे वो गांव में उन्होंने अच्छा क्लाउड भी बना रखा है कि जब भी पुलिस जाती है तो उस पर हमला करना, पुलिस के साथ मारपीट करना भी की बात भी सामने आई है। जो उत्तर प्रदेश वाले को ये पकड़ा है पुलिस ने, 1 हफ्ते रेकी करने के बाद उसने जो ई रिक्शा खरीद रखा है उसका ई चलान के नाम पे उसको जो है पुलिस ने पकड़ा। तो निश्चित रूप से इन्होंने काफ़ी पैसा जो है चोरी से बनाया है, और इनको कोई ग्लानी नहीं है, लगातार चोरी करते हैं और कई बार जेल में जा चुके हैं। जो मध्य प्रदेश वाला जो व्यक्ति है वो भी यहाँ पे बिलासपुर में जेल में रह चुका है, महेंद्रगढ़ में जेल में रह चुका है, बिलासपुर रायपुर में जेल में रह चुका है। तो कहीं ना कहीं ये लोग आदतन चोर हैं, जो कि जिनको एक पुलिस द्वारा भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके साक्ष्य संकलन करके इनको लंबे टाइम जेल में रखने की कोशिश होगी। लेकिन निश्चित रूप से इनको काफ़ी काउंसलिंग और इनको समझाइश की आवश्यकता है, और इनके फैमिली को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने चोरी के पैसे के से इतना ज़्यादा इनको खून चढ़ गया है कि ये बिना चोरी के रह नहीं सकते। ये कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने की हमेशा होड़ में रहते हैं।